नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यह बताएंगे कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कई सारे विद्यार्थी हो या कई सारे लोग हो जिसके पास न्यूज़पेपर बहुत मुश्किल से पहुंचता है, या तो आर्थिक तंगी के कारण, या फिर उनके पास न्यूज़पेपर पहुंचने में समय ज़्यादा लगता है, या फिर कोई और समस्या होती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ऑनलाइन आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल जो है ऑफलाइन की तरह, बिल्कुल उसका जो है स्कैन को किया हुआ जो है न्यूज़पेपर होता है, आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलते हैं, आपको बस टाइप करना है क्रोम पे daily e-paper.in। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप daily e-paper.in, ये वेबसाइट का नाम है। इस पे जाने के बाद आपको जो है सेकंड पेज पे जो है क्लिक करना है, ये सेकंड पेज पे आ जाना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट का नाम आ गया यहाँ पे हेडलाइन में daily e-paper.in। यहाँ पे जो है आपको मिलेगा न्यूज़पेपर, तो देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए हिंदू एनालिसिस नोट जो है यहाँ पे है, हिंदू एनालिसिस नोट है। इसके बाद देखें तो ये द हिंदू है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ, इकोनॉमिक टाइम्स, द पायोनियर, डेक्कन क्रॉनिकल, स्टेट्समैन, एशियन एज, फ्री प्रेस, ये सब कुछ न्यूज़पेपर हैं, द ट्रिब्यून। हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें जो है दैनिक जागरण, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, प्रभात खबर, ये सब कुछ न्यूज़पेपर आपको हिंदी में मिलेंगे। जैसे कि हरिभूमि हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक नवज्योति हो गया, दुनिया, नई दुनिया हो गया। और कुछ न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें जैसे कि नावा तेलंगाना, ये तेलुगु का है, तेलुगु में भी कुछ न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे, तमिल में मिल जाएंगे। इसके बाद पंजाबी न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा, उड़िया मिल जाएगा, मतलब जैसे कि भारत के विभिन्न कोनों में प्रकाशित आपको न्यूज़पेपर इसमें देखने को मिल जाएगा, बंगाली न्यूज़पेपर भी है। तो कहने का मतलब कि यह वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है, जो आपको जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर में काफ़ी मदद करेगा और आपके न सिर्फ पैसे की बचत करेगा बल्कि समय की भी बचत करेगा। और जो कई बार क्या होता है कि अखबार जो है समय से पहुंचता नहीं है या किसी के घर पे देने नहीं आता, तो उनको बहुत दिक्कत होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो ये जो है काफ़ी अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे सभी न्यूज़पेपर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं डाउनलोड करता हूँ द हिंदू को मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, इसका पेज कैसा दिखता है। तो मैं आ गया, इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जैसे कि इसका यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर 4 फरवरी है, आज 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी का जो है 2022 का, नीचे में आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। डाउनलोड लिंक के बाद ये आपको डाउनलोड होगा, आप यहाँ पे एसडी कार्ड में या जो है इंटरनल स्टोरेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो गया दोस्तों, और ये डाउनलोड होने के बाद जो है हमें दिखेगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। जैसे कि दोस्तों ये जो है न्यूज़पेपर डाउनलोड हो चुका है, और मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। तो ये जो है ये 4 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा हिंदू न्यूज़पेपर का जो है ये स्कैन किया हुआ पेपर आ गया मेरे पास। सारे पेज हैं इसका, पूरे जितना पेज रहता है सारा पेज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि ऑफलाइन में होता है, जैसे आपको न्यूज़पेपर में होता है, वैसे सेम आ गया मेरे पास न्यूज़पेपर। अब इसमें जो है आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो। इसको अगर आप मोबाइल में भी पढ़ेंगे तो जैसे कि आप जूम कर सकते हो, एक एक लेटर दिख जाता है इसका। जैसे कि ये देखिए जूम होने के बाद ये कैसे कितना क्लियर दिख जाएगा, ये देखिए ये इतना क्लियर दिख जाता है जूम होने के बाद भी, ये जो है थोड़ा सा भी फटता नहीं है, इतना क्वालिटी अच्छा होता है जो है स्कैन न्यूज़पेपर का। तो ये देखिए कितना भी चाहे जूम कर ले ये फटता नहीं है, तो आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने का ये सबसे आसान तरीका है, और पैसे की भी बचत होगी। जो विद्यार्थी खासकर न्यूज़पेपर के लिए जो है पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो और भी बढ़िया है। अगर आपके रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स है ऐसा कोई जो न्यूज़पेपर पढ़ना तो चाहता है,
पर किसी समस्या के कारण वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता है, तो उनको बताइए इस वेबसाइट के बारे में। उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज एक और न्यूज़पेपर हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, जैसे कि प्रभात खबर है, तो ये हिंदी का न्यूज़पेपर है, इसको भी डाउनलोड करके दिखाता है। आप नीचे आएंगे तो इसका डाउनलोड लिंक मिलेगा। मैं नीचे आ गया, ये देखें ये डाउनलोड लिंक मिल गया 4 फरवरी का। यहाँ पे हम डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन गया, हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड अब ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद जो है हम इसको खोल के दिखाते हैं। जैसा कि ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया, अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया। अब देखें इसको मैं खोलता हूँ तो आपको जो है इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। ये देखिए न्यूज़पेपर प्रभात खबर हिंदी का न्यूज़पेपर है, जिसका प्रीव्यू देख इसको भी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखिए, कितना भी आप इसको वो कर लें ये फटता नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पेज रहता है। जैसे कि आपके पास न्यूज़पेपर आता है ऑफलाइन में, सेम पूरे पेज इसका मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये कुछ जो है एक बढ़िया ही वेबसाइट है, जिस पे आप कोई भी न्यूज़पेपर, भारत के किसी भी कोने का न्यूज़पेपर, चाहे कोई भाषा को, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा वेबसाइट है, सारा जो है भारत के कोने कोने का न्यूज़पेपर इसमें जो है अवेलेबल है। आपको न सिर्फ जो है सेम डेट का न्यूज़पेपर मिलेगा, बल्कि पिछले कुछ दिनों का भी न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदार के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकें।